गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो टुडेज टॉपिक इज थेवेनिन्स थ्योरम. जब हम थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट मींस कि एनी लीनियर बाइलीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग वन और मोर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज लाइक वोल्टेज और करंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हैविंग द वोल्टेज सोर्स दैट इज नोन एज VTH एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस नोन एज RTH. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द थेवेनिन सर्किट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट नेटवर्क दैट मीन्स वी हैव वन वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस. दिस इज नोन एज VTH एंड दिस इज नोन एज RTH. And this is a terminal A, B. Okay? So, हम start करेंगे इसके steps कि how we calculate the VTH and how we can calculate the RTH. एक numerical से ही start करेंगे. Question number 1. So, let's start with the first numerical. So, we can calculate current across the particular resistance. So this is our circuit. This is A and B terminal and the current is resistance is 1 ohm. This resistance is 10 ohm. This resistance 5 ohm, 5 ohm. This is 60 volt battery and this is 30 volt battery. Okay. So कैसे calculate करते हैं? First of all, जिस resistance में हमें current calculate करना है उस resistance को कहा जाता है load resistance. So the load resistance means 1 ohm. So our first step is remove RL. First step, RL को circuit से remove कर देंगे. जैसे ही circuit से उसको remove किया, हमने अपने circuit को दोबारा draw किया after removing RL. RL को remove करने का मतलब है open circuit हो जाएगा और open circuit terminal पे ही हमें calculate करना है VTH. This is 5 ohm, this is 30 volt, this is 10 ohm, 5 ohm and 60 volt. Our second step is find the mesh and calculate the mesh current. अभी इस सर्किट में हमें मैश फाइंड आउट करनी है. तो मैश फाइंड आउट करने के लिए एक मैश है तो एक ही करंट है और जैसा आपने मेरा मैश एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो वहां से हम डायरेक्टली मैश एनालिसिस की हेल्प से यहां पर करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो माइनस 60 प्लस 5i प्लस 5i प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. देन i इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30 अपॉन 5 प्लस 5 दैट मींस 30 अपॉन 10 यानी 3 एम्पियर. 3 ampere is our the value of current. Now, the third step. Third step is calculate VTH. This is our very most important. इसी को मैं ध्यान से समझना है कि हमें VTH कैसे calculate करना है. तो first of all, we can see that कि VTH जो है हमारा A और B terminal के बीच में लिखा हुआ है. That means it is clearly mentioned कि VTH is the potential difference between A and B. अभी अगर हम बी टर्मिनल को देखते हैं तो बी टर्मिनल इज अ ग्राउंड पोटेंशियल. अगर यहां पर कोई बैटरी होगी तो हम इस बी को कंसीडर करेंगे. अगर यहां कोई बैटरी नहीं है दैट मींस बी वी इज ट्रीटेड एज अ ग्राउंड टर्मिनल. इफ बी वी इज अ ग्राउंड टर्मिनल द वैल्यू ऑफ बी वी इज 0 वोल्ट. सो VTH इज इक्वल्स टू VA. अभी VA को अगर हम देखें तो इस नोड का वोल्टेज एंड इस नोड का वोल्टेज बोथ आर सेम. इस नोड को मैंने VX नाम दे दिया. तो VX और VA सेम है क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा तो यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा. इट इज कंसीडर्ड एज अ रिडंडेंट ब्रांच. दैट मींस VX कैलकुलेट अगर मैं कर लेती हूं तो वो VA के बराबर हो जाएगा. अभी VX कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर नोडल एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. यहां पर हमको दो तीन जंक्शन तीन ब्रांचेस नजर आ रही हैं. वन इज दिस ब्रांच, सेकंड इज दिस ब्रांच, थर्ड इज दिस ब्रांच.
तो इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, बची केवल दो ब्रांच, एक और दो। इन दोनों में से हम किसी भी एक ब्रांच को यूज करके VA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तरीका क्या होता है, इफ करंट फ्लोइंग इन अ बैटरी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर हमारी बैटरी में करंट जो हमने करंट माना है वो निगेटिव से पॉजिटिव साइड जाता है, तो VTH का सिंपल फॉर्मूला V-IR। सेम ऐसे ही अगर हम कैलकुलेशन करते हैं दूसरे तरीके से, बी टर्मिनल इफ करंट फ्लोइंग इन अ बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अब अगर बैटरी का हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो VTH इज इक्वल्स टू V+IR। अभी सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करें तो अगर मैं इस ब्रांच को कंसीडर करती हूँ VTH के, ज्यादा इजी क्या होता है कि VTH के ठीक सामने वाली ब्रांच ले ली जाए, हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो अगर मैंने VTH के ठीक सामने वाली ब्रांच ली तो इस ब्रांच में 5 ओम का रेजिस्टेंस और 30 वोल्ट की बैटरी है और करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मुझे पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव मिला है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा VTH हो जाएगा V+IR, जहां V था 30, करंट हमने कैलकुलेट किया था 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस था 5 ओम, कैलकुलेट किया तो हमारा VTH कैलकुलेट हो गया 45 वोल्ट। आई थिंक आपको VTH समझ में आ गया होगा कि VTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी VTH कैलकुलेट करने का सिंपल कॉन्सेप्ट, VTH के ठीक सामने वाली पैरेलल ब्रांच को यूज करना है, उस पैरेलल ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है जो बैटरी है वही यूज करना है, बैटरी में अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिला पहले करंट की डायरेक्शन के हिसाब से तो V+IR, निगेटिव टर्मिनल मिला तो V-IR। अभी हमारा कैलकुलेशन करनी है हमें RTH की, तो हमारा फोर्थ स्टेप है कैलकुलेट RTH। RTH कैलकुलेट करने के लिए नेटवर्क को एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाने का मतलब है ये जो बैटरीज लगी हुई हैं या जो सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस कर देना है। तो वोल्टेज को खत्म करते हैं शॉर्ट सर्किट की हेल्प से और करंट सोर्स को खत्म करते हैं ओपन सर्किट की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर सर्किट को सॉल्व किया, बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया, ये एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम, यहाँ शॉर्ट सर्किट और ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा ओपन टर्मिनल वेयर वी मेंशन द VTH। दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम। अब अगर मैं VTH के अलावा यहाँ कोई बैटरी सोर्स नहीं है, अब अगर मैं VTH से करंट फ्लो कराती हूँ तो VTH से करंट फ्लो कराने पर ये करंट 10 ओम में गई, 10 ओम के बाद 5 और 5 में इसने अपने आप को डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पर ये डिवाइड हो गई तो डिवाइड होने पर क्या हुआ, जहां रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हुई वो दो रेजिस्टेंस पैरेलल, यानी देखने का तरीका इधर से है, VTH ने करंट फ्लो कराया 10, 10 के बाद 5 और 5 में करंट डिवाइड हुआ तो 5 और 5 कैसे जुड़ गए बेटा, पैरेलल, और उसका कॉम्बिनेशन 10 के साथ क्या हो गया, सीरीज। तो 2.5 + 10 इज इक्वल्स टू 12.5 ओम, ये हो गया हमारा RTH। बस उसके बाद हमारा, हमें VTH मिल गया, हमें RTH मिल गया, हमारा इक्विवेलेंट नेटवर्क हम ड्रॉ कर देंगे। दिस इज VTH, दिस इज RTH और जो रेजिस्टेंस हमने हटाया था हम उस रेजिस्टेंस को वापस लगा देंगे 1 ओम, जिसमें हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो IL का फॉर्मूला हो गया हमारा VTH अपॉन RTH प्लस RL, 45 upon 12.5 + 1, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट द थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हम अभी एक दो न्यूमेरिकल और लेते हैं और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सर्किट हमारा ये है, अभी हम स्टेप्स को लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। सो दिस इज अ सर्किट, दिस इज अ AB टर्मिनल जो है 20 ओम, दिस इज ऑल्सो 20 ओम,
दिस इज 20 ओम, दिस इज 10 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज 50 वोल्ट बैटरी। अभी देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि ए बी टर्मिनल कहाँ लिखा हुआ है, यानी करंट पूछा जा रहा है आपसे 20 ओम में, यानी आर एल की वैल्यू हो गई 20 ओम। तो सबसे पहला काम इसको रिमूव करना है, आर एल को हमने रिमूव किया। ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 50 वोल्ट की बैटरी, ये 20 ओम, ये 20 ओम। सेकेंड स्टेप क्या था, मैश फाइंड आउट करना। एक ही मैश बन रही है तो हमने एक ही बार करंट इक्वेशन लगाई, करंट कैलकुलेट किया, -10 प्लस 20i प्लस 20i प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो करंट निकली हमारी 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20, यानी माइनस का 1 एम्पियर। ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू। अभी हमें कैलकुलेट करना है VTH। अभी देखिए यहां लिखा हुआ है VTH, अभी इस VTH के सामने ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, एक ब्रांच ये है 10 और 20 वोल्ट के साथ, एक ब्रांच है 50 वोल्ट और 20 ओम के साथ, दोनों ही सामने ब्रांच है, हम दोनों में से कोई भी एक ब्रांच ले सकते हैं। अगर मैंने ये 50 वोल्ट वाली ब्रांच ली तो बैटरी का पॉजिटिव मिला, मेरा फॉर्मूला बन गया वी प्लस आई आर, वी की वैल्यू 50 प्लस आई की वैल्यू -1, आर की वैल्यू 20, सॉल्व किया हमारा VTH निकल कर आ गया 30 वोल्ट। अभी मुझे कैलकुलेट करना है RTH। RTH कैलकुलेट करने के लिए थर्ड स्टेप, बैटरीज को रिमूव कर दिया, नेटवर्क दोबारा से ड्रॉ किया, ये है VTH, दिस इज 20 ओम, दिस इज 20 ओम। अब अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि 20 और 20 को सीरीज में जोड़ दिया, लेकिन नहीं, अगर मैं VTH से करंट फ्लो कराऊं तो 20 और 20 में करंट अपने आप को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस 20 पैरेलल विद 20। तो 20 पैरेलल विद 20 को सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 10 ओम। बस लास्ट स्टेप था हमारा फोर्थ स्टेप, आई एल कैलकुलेट करना, इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ किया, जो रेजिस्टेंस रिमूव किया था वो वापस अपनी जगह पर लगाया, 20 ओम 10 ओम था ये, और हमारा VTH निकल कर आया था 30 वोल्ट। तो फॉर्मूला VTH अपॉन RTH प्लस RL, यानी 30 अपॉन 10 प्लस 20, यानी 1 एम्पियर इज द आंसर। ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया है। नाउ हम क्या सॉल्व करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। अब की बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमने करंट सोर्स ले लिए, ठीक है, एक करंट सोर्स का भी करते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे। ये सर्किट है हमारा और ऐसे हमारे टर्मिनल निकले हुए बाहर, ए एंड बी, दिस इज 5 एम्पियर, दिस इज 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 10 वोल्ट। अब यहां अगर आप देखोगे इस नेटवर्क में तो ए बी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी है ही नहीं, यहां आपसे सिर्फ VTH एंड RTH पूछे जा रहे हैं, यानी RL पहले से ही रिमूव्ड है, इस नेटवर्क में RL है ही नहीं। तो सबसे पहला काम है, अब हम सीधे सीधे जब RL यहां से रिमूव्ड है तो हमारा पहला काम सीधे सीधे मैश फाइंड आउट करना। तो मैश कितनी है यहां पर, 1 और 2, तो हमने इस मैश में करंट माना I1, यहां ऑलरेडी करंट सोर्स है तो उसकी सेम डायरेक्शन में मैंने करंट ले लिया I2, यानी 5 एम्पियर। तो I2 तो मुझे पहले से पता है, मुझे सिर्फ I1 कैलकुलेट करना है, तो माइनस का 10, 10 I1 प्लस 10 I1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो 20 I1 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 10, यहां से मैंने I1 कैलकुलेट किया तो मेरा I1 की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस का 2 एम्पियर, और I2 मेरे पास पहले से ही था 5 एम्पियर। फर्स्ट स्टेप सॉल्व, सेकंड स्टेप होता है हमारा VTH कैलकुलेट करना। अभी देखो VTH कैलकुलेट करना है, VTH इन दोनों टर्मिनल के बीच में लिखा है, ये दोनों टर्मिनल
के लिए हमारे पास तीन ब्रांचेज हैं, यहाँ पर तीनों ब्रांचेज हमारे पास है, 1, 2 और 3। उसमें से ये ब्रांच ऐसी है जिसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि करंट सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स कभी भी वोल्टेज निकालने में हेल्प नहीं करता है। बची ये ब्रांच और ये ब्रांच, कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैंने इस बीच वाली ब्रांच ली है 10 और इसमें करंट जा रहा था I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। 10 माइनस 2 प्लस 5, मेरा आंसर आ गया 30 वोल्ट। मैं इस ब्रांच को भी ले सकती थी, अगर मैं इस ब्रांच को लेती तो अकॉर्डिंग टू द करंट डायरेक्शन मेरी वैल्यू बन जाती V माइनस IR, वहां से भी आंसर 30 वोल्ट ही निकल कर आता। नाउ थर्ड स्टेप, RTH कैलकुलेट करना है। RTH कैलकुलेट करने के लिए 10 वोल्ट की बैटरी को शॉर्ट कर दिया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, और करंट सोर्स को ओपन कर दिया, और यहां से ये टर्मिनल हमारे बाहर निकले हुए हैं VTH। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि इस 5 ओम के साथ एक ओपन सर्किट है तो ये 5 ओम तो रिडंडेंट ब्रांच हो गई, यानी ये तो यूज होगा ही नहीं। अब अगर ये VTH करंट फ्लो कराता है तो ये करंट 10 और 10 में अपने आप को क्या कर रही है, डिवाइड, दैट मीन 10 पैरेलल 10, आंसर इज 5 ओम। IL इसमें निकलेगा नहीं बिकॉज यहां पर RL है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ VTH और RTH कैलकुलेट करना था। तो करंट सोर्स के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपना थेवेनिन थ्योरम का, वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अब हम लोग बी टर्मिनल पे एक एक्स्ट्रा बैटरी लेंगे और उससे अपने सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 30 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ए बी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ए बी लिखा हुआ 3 ओम पे, दैट मीन्स आर एल की वैल्यू हो गई 3 ओम। तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा आर एल को रिमूव करना। हमने आर एल को रिमूव किया, ए एंड बी, दिस इज वी टी एच, 4 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 30 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। अब अगर आप ध्यान देंगे, मैंने वी टी एच पढ़ाते टाइम आपको ये बताया था कि वी टी एच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां पर बी ग्राउंडेड नहीं है क्योंकि बी के साथ अपनी एक बैटरी कनेक्टेड है। तो सबसे पहला काम मैश फाइंड आउट करना। हमने आई की वैल्यू निकाल ली, आई थिंक मैश हम लगाना सीख गए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, 30 डिवाइडेड बाई 4, हमने सॉल्व कर दिया, 30 बाई 4 हो गया हमारा 15 बाई 2, यानी 7.5 एम्पियर। अभी सेकेंड स्टेप है हमारा वी टी एच कैलकुलेट करना। तो अब क्योंकि यहाँ पर बी ग्राउंडेड नहीं है तो वी टी एच होगा मेरा वी ए माइनस वी बी, वेयर वी बी इज ऑलरेडी गिवन। बी टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो वी बी की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट, अगर निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता तो -10 वोल्ट। अभी मुझे वी ए कैलकुलेट करना है। ए कैलकुलेट करने के लिए वही ये वाली ब्रांच, यहाँ पे नोड का वोल्टेज निकालना है, या तो ये ब्रांच या ये ब्रांच। आई हैव चूजन द दिस ब्रांच, 2 इंटू I, कोई बैटरी नहीं है, डायरेक्ट I इंटू R, 2 इंटू 7.5, द वैल्यू इज 15 वोल्ट। हमने वी टी एच की जगह पे वैल्यू पुट करी, 15 माइनस 10, हमारा वी टी एच निकल कर आ गया 5 वोल्ट। अभी थर्ड स्टेप RTH कैलकुलेट करना है। वही बैटरीज को शॉर्ट किया, इस बैटरी को भी शॉर्ट किया, सर्किट बना 2, 2 एंड 4 ओम, दिस इज VTH, ए एंड बी टर्मिनल, करंट फ्लो कराया, 2 और 2 में डिवाइड हो गया, यानी 2 पैरेलल 2 सीरीज विद 4, यानी 1 प्लस 4, आंसर इज 5 ओम। यानी अब हम VTH मिल गया, RTH मिल गया, RL जो रिमूव किया था वो वापस लगा दिया 3 ओम, हमारा RTH था 5, वोल्टेज था 5, IL कैलकुलेट करना है। तो
IL की वैल्यू हो गई VTH अपॉन RTH प्लस RL यानी 5 अपॉन 5 प्लस 3 यानी 5 अपॉन 8 एम्पियर। तो आपने देखा कि अगर B टर्मिनल पे हमें एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है तो उस केस में हम न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब, जब हमें A टर्मिनल पे एक एक्स्ट्रा बैटरी लगी मिलेगी। ठीक है ना, हम सारे न्यूमेरिकल्स का एक एक टाइप सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा करंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है और क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ थेवेनिन इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं और कुछ नहीं। ये है प्लस माइनस 25 वोल्ट, ये है हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 50 ओम, ये है 250 ओम और ये 8 एम्पियर का करंट। तो RL इज ऑलरेडी रिमूव्ड, यहाँ RL हमारा ऑलरेडी रिमूव्ड है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर RL को रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, इस सर्किट को थोड़ा और छोटा कर देते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करा है यहाँ पर, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा सर्किट बन जाएगा 8 एम्पियर के साथ 250 आपका सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 250 के साथ बैटरी हमारी ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ये 50, ये 10 और ये बैटरी एज इट इज। तो 8 इंटू 250 हो गया 2000 वोल्ट, दिस इज 250 ओम, दिस इज 50 ओम, दिस इज 10 ओम, प्लस माइनस 25 वोल्ट ए एंड बी बी टी एच, ए की मैश बन रहा है। आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 2000 अपॉन 250 प्लस 50 प्लस 10, तो हमारी करंट की वैल्यू निकल कर आ गई 6.452 एम्पियर। अभी हमें कैलकुलेट करना है वी टी एच। अब अगर मैं VTH कैलकुलेट करती हूँ तो VB तो ग्राउंडेड है, यानी VB तो यूज नहीं होगा, लेकिन अब यहां का पोटेंशियल सेम नहीं होगा क्योंकि ये 25 वोल्ट की बैटरी उसको सेम नहीं होने देगी। मान लो मैंने इसको माना है VX, तो VTH इज इक्वल्स टू VX में से अब मुझे इस 25 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस निकाल के तब वो VA के बराबर निकल कर आएगा। बैटरी उल्टी लगी होती तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता, यानी ये बैटरी अगर ऐसे कनेक्टेड है तो इस नोड के वोल्टेज में से इस नोड के वोल्टेज को मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो Vx कैलकुलेट करने के लिए आई हैव चूजन दिस ब्रांच, 10 इंटू आई यानी 10 इंटू 6.452 यानी 64.52 वोल्ट वैल्यू पुट कर दी हमने। तो VTH की वैल्यू 64.52 माइनस का 25, वैल्यू इज 39.52 वोल्ट। तो यहां का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी लोगों को कि अगर कोई ए टर्मिनल पे एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है तो उसे भी हमें उस नोड वोल्टेज में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगर वो बैटरी सीधी लगी हुई है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बैटरी अगर उल्टी लगी हुई होती तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। थर्ड स्टेप, RTH कैलकुलेट करना। RTH के लिए बैटरी को शॉर्ट किया, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ था, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, और ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। A एंड B VTH, दिस इज 10 ओम, 50 ओम एंड 250 ओम, करंट ने डिवाइड किया तो ये दोनों में सबसे पहले 250 और 50 हो गए सीरीज क्योंकि दोनों में एक जैसा करंट गया और उन दोनों का कॉम्बिनेशन 10 के साथ हो गया पैरेलल, यानी 300 पैरेलल 10। सॉल्व करा, आंसर इज 9.678 ओम, दिस इज द आंसर। तो हमने देखा अगर बी टर्मिनल पे बैटरी लगी होगी तो किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ए टर्मिनल पे बैटरी लगी होगी तो किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों को वो दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई है। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम लोग ऊपर से रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस को ऊपर से रिमूव करना है। ये गया हमारा 4 वोल्ट, 5 ओम, 15 ओम, यहां पर हमें करंट कैलकुलेट करना है,
ये हमारा सर्किट है 4 वोल्ट, 5 ओम, 15 ओम, दिस इज 8 ओम, 12 ओम एंड 6 वोल्ट। हमारे को आरटीएच और वीटीएच कैलकुलेट करने हैं, और जो रेजिस्टेंस हमने रिमूव किया है दैट वैल्यू इज 10 ओम। यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यानी आरएल आपको 10 ओम दिया गया है जो हमने ऊपर से रिमूव किया है। ऊपर से रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पर देखा दो मैश बन रही हैं, इसको I1 ले लिया और इसको I2 ले लिया, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव रखेंगे। I1 कैलकुलेट किया 4/5 + 15, आंसर इज 4/20, तो हमारा वैल्यू आ गया 4/20 यानी 0.2 एम्पियर, आई थिंक 0.2 एम्पियर ही आएगा, एक बार दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 5, हाँ जी 0.2 एम्पियर। अब हमने I2 कैलकुलेट कर लिया, I2 इज 6/8 + 12 यानी 6/20, ये 10 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये आ गया हमारा 0.3 एम्पियर। I1 I2 कैलकुलेटेड, फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप है हमारा VTH निकालना। अब अगर आप देखेंगे तो A और B दोनों में से कोई भी पोटेंशियल ऐसा है नहीं है जो ग्राउंडेड हो, जब वो ग्राउंडेड नहीं है तो हमें दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, A और B। तो जब A लेंगे तो इस नोड की बात करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक ब्रांच यूज कर सकते हैं। तो मैंने अगर 4 वोल्ट वाली ली या 15 वाली, कोई भी लेते हैं, तो मैंने अगर अपनी 15 वाली ब्रांच ली तो मैंने लिखा 15 I1 यानी 15 × 0.2। आंसर आ गया 3 वोल्ट। अभी मैंने VB कैलकुलेट करना है, तो VB के लिए मैंने इस नोड के वोल्टेज को लिया, दोनों में से कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। मैंने 8 वाली ली, 8 × I2 यानी 8 × 0.3, आंसर आ गया 2.4 वोल्ट। VA VB इजीली कैलकुलेट हो गया हमारा। तो हमने VTH कैलकुलेट कर लिया, 3 - 2.4 इज 0.6 वोल्ट। तो VTH क्लियर है, सेम तरीका किया है, बस अभी दो बार करना पड़ा, एक बार A के लिए एक बार B के लिए। थर्ड स्टेप हमने RTH कैलकुलेट करना है, शॉर्ट सर्किट किया, VTH। अब अगर मैं करंट इधर से फ्लो कराती हूं तो 5 और 15 में करंट डिवाइड हुआ, अगर मैं करंट इधर से फ्लो कराती हूं तो 12 और 8 में करंट डिवाइड हुआ। तो RTH क्या हुआ हमारा, 5 पैरेलल 15 एंड 8 पैरेलल 12, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज। इन दोनों में करंट डिवाइड, इन दोनों में करंट डिवाइड, और ये एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा। हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब 5 पैरेलल 15, 8 पैरेलल 12, दोनों को हमने सॉल्व किया तो 5 और इसका आंसर निकल कर आया 3.75, 8 और इसका 12 हुआ 4.8, दोनों को सॉल्व किया 8.55 ओम इज द आंसर। अभी इसके बाद हमें बस वही सेम स्टेप, IL इज इक्वल्स टू VTH / RTH + RL, VTH इज 0.6, 8.55 + 10 सॉल्व किया 0.0323 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा ये तरीका। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही तरीका बचता है, दैट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, बस वो एक लास्ट न्यूमेरिकल बचता है, देन हमारा थेवेनिन थ्योरम कंप्लीटेड। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। अगर आपको VTH RTH कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सारी प्रॉब्लम होती है सिर्फ VTH कैलकुलेट करने में, और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो VTH आप आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। 5 वोल्ट, दिस इज 20 ओम, 4 ओम, 20 ओम, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 8 ओम। इस रेजिस्टेंस में हमें करंट कैलकुलेट करना है, यानी RL की वैल्यू हो गई हमारी 20 ओम। तो सबसे पहला स्टेप, इस RL को रिमूव कर देंगे,
After removing the RL, we have mentioned VTH. 24, 10 and 8. अब अगर ये 5 वोल्ट करंट फ्लो कराता है तो करंट हमारी अपने आप को ऐसे डिवाइड कर देगी. यहां चली गई I1, यहां चला गया I2, बिकॉज ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. तो वोल्टेज सेम होने की वजह से ये वोल्टेज अपने आप को यहां पर करंट को डिवाइड करा देगा. तो अगर मैं I1 कैलकुलेट करूं तो I1 20 में और 4 में गया, 5/20+4. एंड अगर मैं I2 कैलकुलेट करूं तो वोल्टेज 5 और I2 गया है 10 और 8 में, 10+8. हम आसानी से I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सबसे सिंपल तरीका है हमारा करंट कैलकुलेट करने का. ये हो गया 5/24 एम्पियर, दिस इज 5/18 एम्पियर. अभी हम कैलकुलेट करेंगे अपना VTH. अब अगर यहां देखेंगे तो यहां पर भी A और B दोनों में से कोई भी पोटेंशियल ऐसा नहीं है जो कि ग्राउंडेड हो, तो हमें VA माइनस VB करना पड़ेगा. तरीका, A ब्रांच पर 20 और 4 है, कोई एक लेना है. B ब्रांच पर 10 और 8 है, कोई एक लेना है. तो अगर मैंने आपको बस कंडीशन क्या याद रखनी है, या तो अगर आप 20 ले रहे हो तो 10 लेना पड़ेगा, और अगर 4 ले रहे हो तो 8 लेना पड़ेगा. बस यही कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि VTH या तो इन दोनों के इक्वल होगा या इन दोनों के इक्वल होगा. तो मैंने ये वाली ब्रांचेस ले ली, तो A के लिए लिया मैंने 4, 4 में गया था I1. B के लिए लिया 8, 8 में गया था I2. 4/5/24, 8/5/18. आई थिंक आंसर नेगेटिव में आएगा, तो हम इसका मोड ले लेते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, 1.38 वोल्ट. ये हो गया हमारा VTH. अभी हमें RTH कैलकुलेट करना है. कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, VTH निकालने के लिए अगर आप A के लिए 20 लेंगे तो B के लिए 10 ही लेना पड़ेगा, A के लिए 4 लेंगे तो B के लिए 8 ही लेना पड़ेगा. RTH निकालने के लिए सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं. आफ्टर रिमूविंग बैटरी, ये बन गया हमारा सर्किट 24, 10 और 8, और ये रहा VTH. अब VTH ने करंट फ्लो कराया तो 20 और 4 में करंट डिवाइड हुआ, ऐसे अगर इधर से करंट फ्लो कराया तो 10 और 8 में डिवाइड हुआ. तो VTH यानी 20 पैरेलल 4, और ये हो गया 10 पैरेलल. करंट कैलकुलेट कर लेंगे, VTH अपॉन RTH प्लस RL की वैल्यू पुट करेंगे, 1.38 अपॉन RTH था हमारा 7.77 प्लस 20, सॉल्व करा 0.05 एम्पियर इज द आंसर. आई होप आप लोगों को थेवेनिन थ्योरम का वीडियो समझ में आया होगा, थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ में आया होगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.